वज़ीर-आला पंजाब से मुख्तलिफ अज़ला के अरकाने सूबाई असेंबली ने मुलाकात की और नए माली साल के लिए रिलीफ बजट पेश करने पर उस्मान बुज़दार को मुबारकबाद पेश की। अरकाने पंजाब असेंबली ने वज़ीर-आला को अपने इलाकों के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात करने वालों में सूबाई वज़रा यासिर हमायूं, मियां खालिद महमूद, उमर आफ्ताब, खुर्रम एजाज, शेर अकबर खान, मोहम्मद सप्तैन रजा, मोहम्मद रजा हुसैन बुखारी, सरफराज हुसैन, शाहिदा अहमद और सबरीना जावेद शामिल थीं। वेब रुकन पंजाब असेंबली सैयद अब्बास अली शाह और सेक्रेटरी गुड गवर्नेंस कमेटी कर्नल रिटायर्ड एजाज हुसैन भी इस मौके पर मौजूद थे। सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि अराकीन असेंबली के इलाकों में तरक्याती काम तरजीही बुनियादों पर किए जाएंगे, जायजा कामों में किसी को रुकावट नहीं डालने दूंगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा का फैलाव रोकने के लिए शदीद मुतासरा इलाके सील किए, अराकीन असेंबली अपने इलाकों में हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद की मॉनिटरिंग करें। वज़ीर-आला पंजाब ने मजीद कहा कि कोरोना का फैलाव कम करने के लिए अवाम का भरपूर तआवुन बहुत जरूरी है, शहरी कोरोना से महफूज रहने के लिए हुकूमती गाइडलाइंस पर अमल करें। पंजाब में हालिया पाबंदियों पर अमल दरामद के हौसला अफजा नतीजे सामने आना शुरू हो चुके हैं। अवाम एहतियाती तदाबीर को आदत बना लें, SOPs पर अमल दरामद न करने पर बाजार और मार्केट बंद कर देंगे। उस्मान बुज़दार ने कहा कि सरकारी दफातर समेत अवामी मकामात पर मास्क पहनने की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। शहरियों को कोरोना की एहतियाती तदाबीर पर अमल करके अपना फर्ज निभाना होगा।